स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC एसोसिएशन नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि नोटिफिकेशन कब तक आने का पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं इस पर। तो देखिए डेट तक आ गए हैं, ठीक है। डेट तक फिक्स हो चुका है कि आपका 15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर को, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेस में बताया गया, ये सोर्सेस मतलब यूट्यूब चैनल, लेकिन ऑफिशियली कहीं पर अनाउंस नहीं है कि आपका 15 दिसंबर या 20 दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन सब जगह ये वायरल है कि आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट ईयर भी ऐसी वायरल था, तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नोटिफिकेशन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस बार आने की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, 4 साल का गैप, बहुत गैप होता है, तो इसलिए इस बार पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। तो 15 से 20 तारीख जो वो लोग बता रहे हैं, बहुत लोग बता रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि जब एक डेट का क्रेज़ होता है तो कभी कभी होता है कि उस पर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और एग्ज़ाम भी वही हिसाब से हो जाता है। SBI में ऐसा पहले बहुत बार हुआ है ऐसे। तो दोस्तों 15 से 20 तारीख जो लोग बता रहे हैं कि हो सकता है आपका दिसंबर में आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, मैं जो बता रहा हूँ मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि LIC ने ऑफिशियली मेंशन नहीं किया कि आपका टेंटेटिव नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ को आएगा, ऐसा कोई अनाउंस नहीं है। तो बस ये अभी तक मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन ही रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 19 में इलेक्शन था, ठीक है, इलेक्शन ईयर था, अभी भी इलेक्शन का कंडीशन चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और लोग बता रहे हैं कि जनवरी में 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख को आपका प्रीलिम्स होना है, फरवरी को आपका मेंस होना है, तो हो सकता है कि वो डेट में कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो वो डेट आपका फिक्स हो गया होगा कि इस पर एग्ज़ाम होना है। तो हो भी सकता है दोस्तों कि हो जाए आपका एग्ज़ाम, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपका नोटिफिकेशन इतना तारीख को आएगा। ये SBI जैसा सरप्राइज है, हो सकता है आपका आ जाए। तो मेरा एक ही पॉइंट आपसे कहना है, आप ये सब के चक्कर में ना रहें, बस पढ़ाई पे ध्यान दें, मेहनत करें, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। अब इससे खुश मत होना कि आपका नोटिफिकेशन कन्फर्म है कि आ जाएगा। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि TCS बुक हो चुका है, ठीक है, बुक हो चुका है, तो अब उनको कैसे खबर मिलता है, शायद LIC से कांटेक्ट होगा, LIC ने बताया होगा कि TCS हमने बुक कर दिया है, या TCS वाले ने बताया होगा कि LIC, ऐसा बहुत बार ऐसा केस पहले भी आया है और बाद में पता चला कि ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। तो दोस्तों ये पूरा रेल मान के मत चलना, बस ठीक है आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या करोगे, इसके उम्मीद में मत रहना। SBI क्लर्क का प्रिपरेशन डेडिकेशन से करते रहना। तो बस मेरा यही कहना है, टाइम वेस्ट ना करें, मोटिवेट होकर मेहनत करते रहें। SBI क्लर्क जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस करें, और IBPS की आपको कैलेंडर जनवरी को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब देखो, बहुत जगह ये 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख जो डेट है जनवरी का एग्ज़ाम होने का, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्योर आपका हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसे पहले हुआ है। जैसे डेट फिक्स हो गया है कि 31 अक्टूबर को एक बार हुआ था 2022 या 21 में, कि 31 को आपका SBI क्लर्क का मेंस होगा, 31 को मेंस होगा, सब लोग वीडियो बना रहे थे, लास्ट में क्या हो गया, SBI ने ठीक 31 को ही मेंस कर दिया। तो कभी कभी ये बात सही भी हो जाती है, प्रेडिक्शन लग जाता है कभी कभी से। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि इस पे चक्कर पे ना रहे, बस मेहनत करते रहें, जो एग्ज़ाम्स आपके पास है अपॉर्चुनिटी उस पर फोकस करें, बल्कि आप ये सब पे फोकस करें। तो मेरा बस यही बताने का यही मुद्दा था कि आप ज़्यादा टेंशन ना लें और बस मेहनत करते रहें, अगर एग्ज़ाम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।